वेलकम अगेन विथ न्यू वीडियो। तो एक बच्चे का क्वेश्चन ये था, और अभी थोड़ा बिजी था इसलिए रात को ही वीडियो शूट करना पड़ रहा है। सो क्वेश्चन ये था, रूट थ्री माइनस रूट टू को इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। तो आपको पता ही है कि इरेशनल नंबर अगर हमको प्रूफ करना है तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते हैं, रैशनल। तो लेट रूट थ्री माइनस रूट टू इज अ रैशनल नंबर, और यदि रूट थ्री माइनस रूट टू को हमने रैशनल लेट किया हुआ है तो हम इसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर q इक्वल नॉट जीरो एंड p एंड q आर इंटीजर्स। नो, अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड ऑफ स्क्वायरिंग करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे और इधर क्या आएगा फिर, तो ये ब्रेक हो जाएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर पे। तो रूट थ्री माइनस रूट टू का होल स्क्वायर, तो रूट थ्री का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट टू का स्क्वायर माइनस टू रूट थ्री इंटू रूट टू इक्वल टू पी अपॉन क्यू का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। ओके, नाउ रूट थ्री का होल स्क्वायर क्या होता है, थ्री, रूट टू का स्क्वायर टू माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू रूट सिक्स राइट इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। क्लियर, फोकस। नाउ थ्री एंड टू क्या होगा, फाइव। क्लियर, और माइनस टू रूट सिक्स को अगर हम उस तरफ भेज दें राइट हैंड साइड में, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, और राइट हैंड साइड से पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर को अगर हम लेफ्ट में लेके आते हैं तो ये माइनस होगा। तो ऐसे माइनस पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इक्वल टू टू रूट सिक्स। कोई दिक्कत कुछ नहीं किया हमने, बस ये माइनस में था ना तो इसको प्लस करने के लिए हमने ऐसा किया। क्लियर, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। तो ये आ गया यहाँ पे क्यू स्क्वायर डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे आ जाएगा ये फाइव क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू टू रूट सिक्स। क्लियर, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, सो फाइव क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन, ये टू रूट सिक्स के साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा। क्लियर, तो टू क्यू स्क्वायर इक्वल टू रूट सिक्स, और हम इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब थोड़ा सा ब्रेन लगाइए और एक चीज देखिए कि p और q क्या है, हमारा इंटीजर्स है। तो अगर p और q इंटीजर्स हैं तो अगर हम q का स्क्वायर करेंगे, मतलब किसी इंटीजर का स्क्वायर करेंगे फिर उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक इंटीजर का स्क्वायर करेंगे उसको माइनस करेंगे, तब भी तो इंटीजर ही आएगा ना। और नीचे में अगर हम इंटीजर को स्क्वायर करके 2 से मल्टीप्लाई, तब भी इंटीजर ही आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि 5 के स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये भी इंटीजर हुआ, ये भी इंटीजर हुआ। तो हम लिखेंगे सिंस 5, हम ऐसे लिख सकते हैं सिंस p एंड q आर इंटीजर्स, सो 5 क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर एंड 2 क्यू स्क्वायर आर ऑल्सो इंटीजर्स, ऑल्सो इंटीजर्स। क्लियर, अगर ये भी इंटीजर्स हुआ, इंटीजर्स अपॉन इंटीजर्स, तो हम इसको रैशनल नंबर बोल सकते हैं ना। तो लिखेंगे सो 5 क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2 क्यू स्क्वायर इज अ रैशनल, ये एक रैशनल होगा। अब आप एक चीज देखिए, ये नंबर रूट के अंदर है जो बाहर नहीं आएगा, तो ये क्या है, इरेशनल है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो इक्वेशन फर्स्ट है इसमें राइट हैंड साइड जो है वो इरेशनल है और लेफ्ट हैंड साइड रैशनल है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। हम लिखेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट LHS इज रैशनल एंड RHS इज इरेशनल। विच इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। अगर ये पॉसिबल ही नहीं है तो इसका मतलब
हमने जो लेट किया था कि रैशनल होगा वो पॉसिबल नहीं है. हम लिख देंगे सो रूट थ्री माइनस रूट टू इज नॉट अ रैशनल नंबर. अब अगर आप जितने भी नंबर होते हैं उसमें से रैशनल नहीं होगा तो क्या होगा? इरैशनल ही तो होगा, क्योंकि रियल नंबर्स टू टाइप्स के होंगे, या तो रैशनल या तो इरैशनल. तो हम लिख सकते हैं लास्ट में सो रूट थ्री माइनस रूट टू इज एन इरैशनल नंबर. ओके, अब ये हो गया. अगर अभी भी कोई डॉट हो तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं. नाउ अगर आपके पास भी कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चंस मैथ के अंदर हो, स्पेशली अप टू 10th लेवल, आप 11th 12th का भी भेज सकते हैं. सो 8340521695 आप इसमें व्हाट्सअप कर सकते हैं और आई विल ट्राई कि मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँ. बाय बाय.